गाइज वेलकम बैक, टाइगर 3 इज फाइनली बैक एंड द ओजी स्पाई इज हियर। भाई क्या कुछ अब हमको डिटेल एनालिसिस करनी है इस वीडियो में। टाइगर 3 के ट्रेलर ने कहां तक व्यू काउंट्स को पहुंचाया है, सब कुछ के बारे में बात होगी इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, चैनल को लो फटाफट से सब्सक्राइब। देखो अभी हो चुके हैं अराउंड 4 आवर्स, 4 घंटे हो चुके हैं इस ट्रेलर को निकले हुए, और अभी तक कह सकते हैं कि जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक आराम से 8-8.5 मिलियन व्यूज जो हैं पहुंच जाने वाले हैं, हिस्टोरिक नंबर। और साथ साथ में अभी देखना जो नंबर ऑफ लाइक्स हैं वो हमारे को एक्चुअली बताएंगे कि कितना ऑर्गेनिक है व्यू काउंट। तो अगर मैं व्यू काउंट्स की बात करने वाली हूँ तो भाई बड़े बड़ों के रिकॉर्ड्स अब खतरे में हैं। अगर अभी तक टाइगर 3 ने, मतलब आप ये सोचो कि जब जैसे ही ये टाइगर 3 का ट्रेलर आया था, मैंने कह सकते हो 2-3 मिनट के बाद ही जब रिफ्रेश करके देखा तो करीब करीब 2-2.5 लाख व्यूज़ तो तभी आ गए थे। तो अब सोचो अभी तो 4-4.5 घंटे हो चुके हैं, करीब करीब 5 घंटे जब तक आप ये वीडियो देखोगे 5-5.5 घंटे हो जाएंगे, तो 8.5 मिलियन व्यूज़ जो है तब तक कंप्लीट हो जाने वाले मेरी प्रिडिक्शन के हिसाब से। क्योंकि अभी जो मैंने चेक किया था वो था 7.9 मिलियन व्यूज़। तो अगर हम उसी रेट पर चलते रहते हैं, उसी स्पीड पर चलते रहते हैं, तो इसी तरीके से 10 मिलियन तो भाई बहुत ही जल्दी 6 घंटे के अंदर अंदर आराम से 10 मिलियन व्यूज़ आने का प्रिडिक्शन में रखूंगी। और उसके बाद देखना होगा कि भाई 12 घंटे 24 घंटे में क्या कुछ रिकॉर्ड सेट होते हैं। लेकिन बात करेंगे सबसे पहले हम टाइगर 3 के मच अवेटेड एक्शन सीक्वेंसेस के बारे में। क्या ये टीजर से अलग हैं या ये टीजर से और टॉप नॉच है? तो मैं आपसे बोलूंगी कि मुझे ट्रेलर में ऐसे और एक एक्शन सीक्वेंस का इंतजार था जो हमने टीजर में देखा, वो घूम के जुक करके जैसे आए थे। ऑल्दो हमको ट्रेलर में भी बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स मिलेंगे, गूज बम्प्स मोमेंट्स, जिसमें एक शुरू का ही जो इंट्रो सीन है जिसमें बाइक से आते हैं और बाइक से एक स्पिन लेती है जूम करके, एंड देन वी सी सलमान खान दी ओजी स्पाई इन हिज स्काफ, वो पर्टिकुलर सीक्वेंस है जो एक्चुअली टेक अवे था। और एक सीक्वेंस है जिसमें कतरीना डज दैट, वो एक ये बड़ा आजकल यू नो दिस इज वेरी ट्रेंडिंग एक्शन सीक्वेंस, मैंने लियो के ट्रेलर में भी देखा था, जिसमें थड़पति विजय इज इन द एयर और वो ऐसे एक सर्कल लेकर यू नो एंड ही किक्स ऑफ द गून्स। यही सेम सीक्वेंस मुझे यहाँ पर कतरीना वाला भी दिखा है। सो यू नो दिस शोज द एक्शन स्केल कि भैया एक्शन जो है ना वो किस लेवल का होने वाला है। और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपसे द काइंड ऑफ एक्शन दैट वी सी सलमान खान डूइंग इन सो मेनी चेजेस, काफ़ी सारी चेज हमको देखने को मिलती है, काफ़ी सारे पंचेज और स्टेन गन्स, मशीन गन्स, हेलीकॉप्टर्स, ब्लास्ट, सो मेनी थिंग्स दैट वी सी इन दिस ट्रेलर, अ लॉट ऑफ एक्शन। मतलब जो YRF ने प्रॉमिस किया है कि दिस विल बी द बिगेस्ट एक्शनर, जो इससे पहले जितनी भी हमने YRF स्पाई यूनिवर्स बनाई है उनमें सबसे ज़्यादा उसका 10 times एक्शन जो है वो इसमें देखने को मिलेगा। और इसका पर्टिकुलर ट्रेलर का सबसे बड़ा टेक अवे है इमरान हाशमी। देखो ये तो मैं मानती हूँ, शुरू से मेंटेन करती हूँ कि जो फिल्म, जिस फिल्म में विलेन दमदार है उस फिल्म का हीरो ऑटोमेटिकली ना कई गुना बढ़ जाती है उसकी पावर। क्योंकि अगर विलेन ही इतना दमदार है तो उसको अगर हीरो मार रहा है तो हीरो में कितना दम होगा, ये चीज़ मैटर करती है। और जिस तरीके से वॉइस ओवर, डायलॉग डिलीवरी मुझे इमरान हाशमी की देखने को, सुनने को मिली है यहाँ पे, इससे पहले ऐसे इमरान हाशमी को नहीं देखा है। और द बेस्ट पार्ट इज दैट ग्रेश लुक, जो ग्रे हेयर लुक ऑफ इमरान हाशमी हमको देखने को मिल रहा है, वो एक यू नो दैट शोज कि इसके अंदर, इस बंदे के अंदर काफ़ी गुस्सा, एवेंज, ही वॉन्ट्स टू टेक दैट रिवेंज फ्रॉम टाइगर, जो उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा होके चुका है जो टाइगर जो है उसका टाइगर की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा ये सारा मसला शुरू हुआ है। एंड नाउ टाइगर की जो कह सकते हैं इमेज, उस पर दाग लगने जा रहा है कि वो गद्दार है। सो ऑल इन ऑल द एक्शन, द स्टोरी लाइन, द VFX, द काइंड ऑफ VFX दैट वी सी, देयर आर सो मेनी ग्रीन स्क्रीन मोमेंट्स जो हमको पता भी नहीं चलेंगे कि ग्रीन स्क्रीन वाले हैं, कई सारे चेज मोमेंट्स हैं जो ग्रीन स्क्रीन वाले हैं, और कुछ ऐसे मोमेंट्स भी हैं इसमें जिसमें हमारे को बॉडी डबल्स, फेस स्वैप, फेस भी दिख जाते हैं हमारे को कि यू नो ये दिस इज द फेस वाला फिल्टर जो होता है वो बेसिकली यूज़ किया गया। तो द काइंड ऑफ टेक्निकल वर्क दैट इज गॉन इन टू दिस मूवी इज आउटस्टैंडिंग फ्रॉम द ट्रेलर इट सेल्फ, और ऑफकोर्स द पर्सनल टच, दैन द BGM, सो मेनी थिंग्स आर देयर दैट वी हैव टू लुक फॉरवर्ड टू। सो मुझे लगता है कि ये वन ऑफ दोज स्पाई यूनिवर्सेज बनेंगी, जैसे हॉलीवुड में भी होता है, हम देखते हैं कि यू नो एक पर्सनल कहानी भी है उस स्पाई की, वो स्पाई जो है वो सब कुछ कर रहा है, वो देश को बचा रहा है, वो ऐसा, लेकिन उसकी एक पर्सनल कहानी भी है। और इसमें ना इंटरेस्टिंगली मुझे बहुत से लोगों ने बताया है और दिखाया भी है, देखा भी है मैंने कि हमको यहाँ पर पठान की प्रेजेंस जो है वो कहीं कहीं पर देखने को मिलती है, चाहे वो सिल्वेट में सही, चाहे वो ब्लरी इमेज सही, लेकिन पठान जो है इनका जब ये आएंगे ना तो ये भी इस फिल्म का टेक अवे बनेंगे, जिस तरीके से हमने पठान में यहाँ पर टाइगर को देखा था पठान में, तो जिस तरीके से हमने उस हमारी तब जो फीलिंग थी वही एग्जैक्ट फीलिंग पठान को देखकर होने वाली है। सो
जस्ट इमेजिन, एक तो पर्सनल स्टोरी, सो मेनी रिवेंज थिंग्स, जो रिवेंज ड्रामा जिसमें हम एक्शन भी देखेंगे इतना सारा, और फिर पठान की प्रेजेंस, अनबिलीवेबल भाई। ट्रेलर पूरा पैसा वसूल है, ट्रेलर को देखकर ये लगता है कि यू नो एक कहानी जो है साथ साथ में जो स्टिच की गई है, अमेजिंगली डन बाय मनीष शर्मा। मुझे नहीं लगता था कि मनीष शर्मा इतना अच्छा एक्शन भी डायरेक्ट कर सकते हैं, अमेजिंग टू सी दैट। एंड ऑफ कोर्स दिवाली वाले दिन जब ये फिल्म आएगी और टाइगर बोलेंगे जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं, तब तक भाई साहब उस वक्त होगा असली सीटी ताली सीक्वेंस। मैंने आपसे एडवांस बुकिंग और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की भी बात करी है टाइगर की, कि भाई टाइगर जब एडवांस बुकिंग खुलेगी शुड बी बाय 2nd of November जब एडवांस बुकिंग खुल सकती है। और साथ साथ में अगर हम बात करें इसके डे वन कलेक्शन की, तो भाई आराम से कह सकते हैं हम कि बड़े बड़े रिकॉर्ड्स जो है ये तोड़कर ही मानेगी, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द फैक्टर ऑफ सो मेनी थिंग्स दैट आर हैपनिंग विद टाइगर 3। सो लेट्स वेट एंड वॉच क्या कुछ होता है। मुझे लगता है ये पूरा का पूरा ट्रेलर इसने तो मौज कर दी, लिटरली मौज कर दी फैंस की, हम सब की। और अब इंतज़ार रहेगा नए किसी पोस्टर का, किसी सॉन्ग का। अब मुझे लगता है ट्रेलर के बाद जो आएगा वो आएगा सॉन्ग, एंड दैट विल बी दैट डांस नंबर जिसमें जोया है और टाइगर है। सो लेट्स वेट एंड वॉच फॉर दैट। वो कब तक रिलीज़ करते हैं? अब YRF फुल फायर फॉर्म चल रहे हैं, जल्दी से जल्दी हमसे कोई ना कोई अपडेट जो है जल्दी से जल्दी नेक्स्ट जो है वो शेयर होने ही वाली है। तो क्या लगता है आपको, अब सॉन्ग आएगा, कौन सा सॉन्ग आएगा, क्या रिएक्शन है आपका उस पर, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल जस्ट कॉल स्टोर फंक्शन।